नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कल यानी कि 30 अक्टूबर को नामांकन वापसी का दिन है, तो वहीं 13 नवंबर को मतदान होगा। इसके साथ ही 23 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम से बाहर निकलेगा। नामांकन वापसी में अभी एक दिन का समय शेष है, लेकिन दोनों ही प्रमुख पार्टियां 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को बैठाने की कोशिश में जुटा है, जिससे वह डैमेज कंट्रोल कर सके। हालांकि दोनों ही पार्टियां उपचुनाव में सभी 7 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं, लेकिन आरएलपी बाप के साथ ही निर्दलीय राजेंद्र गुड़ा और नरेश मीणा दोनों ही प्रमुख पार्टियों को जोरदार टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव के चलते अब गर्मी से राहत मिलने लगी है। अक्टूबर का महीना खत्म होने के साथ ही अब गुलाबी सर्दी लोगों को हल्की राहत दे रही है। हालांकि अभी भी बाड़मेर में दिन का पारा 40 डिग्री से पार दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं आसपास के इलाकों में भी दिन में सूर्य की तपिश लोगों को सता रही है। वहीं अन्य जिलों में दिन और रात का तापमान गिरने के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह से दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के 8 जिलों को क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की शुरुआत की। उन्होंने वीसी के माध्यम से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत प्रदेश के क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया। समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में पहुंचे थे। श्याम प्रेमियों को दिवाली पर पूरे दिन बाबा खाटू श्याम के दर्शन नहीं हो पाएंगे। 31 अक्टूबर यानी दिवाली पर बाबा खाटू श्याम का मंदिर पूरे दिन बंद रहेगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने बताया कि 30 अक्टूबर को रात्रि 10 बजे से 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। 31 अक्टूबर अमावस्या पर बाबा श्याम की विशेष पूजा और तिलक होगा। मंदिर प्रशासन दीपावली पर विशेष सजावट होगी, लक्ष्मी पूजन भी किया जाएगा। राजस्थान में 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रचार जोरों पर चल रहा है। प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की हर जोड़ तोड़ करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन झुंझुनू से निर्दलीय के रूप में ताल ठोकने वाले राजेंद्र गुड़ा, जो हमेशा विवादित बयान और बेबाक भाषणों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उनका भाषण ही उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजेंद्र गुड़ा का एक विवादित बयान सामने आया है, जहां उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर कहा कि देश के संविधान में कहां लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। उनके बयान के बाद अब सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष अश्विनी पारीख का मंगलवार को ब्राह्मण समाज की ओर से जंक्शन के चूना फाटक पर सम्मान किया गया। जसवीर शर्मा, ब्रज किशोर तिवाड़ी, प्रहलाद शर्मा और गोड ब्राह्मण सभा अध्यक्ष हंजराज शर्मा ने साफा पहना और श्रीफल प्रदान कर अश्विनी पारीख का स्वागत किया। इस मौके पर अनिल तिवाड़ी ने कहा कि हनुमानगढ़ से पहली बार ब्राह्मण समाज के युवा को कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है। ये ब्राह्मण समाज के लिए गौरव की बात है, इससे समाज के नागरिकों में प्रसन्नता है। इससे जिले में यह संदेश भी आया है कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण हितेशी पार्टी और आने वाले निकाय चुनाव में पूरे जिले में इसका लाभ कांग्रेस को देखने को मिलेगा। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर निर्मल सुरा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने नामांकन भी कर दिया था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उन्हें मना लिया है। उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुखवंत सिंह का समर्थन कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति आपका समर्पण हम सभी के लिए सदैव अनुकरणीय रहेगा। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में बीजेपी ने रामगढ़ सीट पर सुखवंत सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सुखवंत सिंह पहले भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे, अब फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को दौसा से बीजेपी का टिकट मिलने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने से धरना पर बैठे थे, मंत्री पद से इस्तीफा देकर कहा कि भवानी रूठ गई है, अब भाई को टिकट मिलते ही भवानी जाग गई है। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, भवानी जाग गई है, इसलिए हमारा मुस्लिम समाज वोट देने को तैयार हो रहा है, हमसे प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, स्वागत कर रहा है और सभा करा रहा है। मुस्लिम समाज आश्वस्त कर रहा है कि हम तन मन और धन से किरोड़ीलाल मीणा के भाई को वोट देंगे।
एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग प्रदेश के युवा लगातार कर रहे हैं। इसी बीच डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द हो, एसओजी एडवोकेट जनरल व मुख्यमंत्री स्तर पर गठित कमेटी भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा कर चुकी है। अब मुख्यमंत्री को इस मामले में फैसला करना है। यह 9 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। एसआई में 859 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें आधे से ज्यादा फर्जी हैं। इस मामले में एसओजी की जांच चल रही है, आगे अभी और कई गिरफ्तारियां होना तय है। डॉक्टर मीणा ने यह बात नांगल राजावतान स्थित मीणा हाईकोर्ट में मीडिया से रूबरू होते हुए कही। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नया फैसला लिया है। इसके तहत भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेजों में फोटो को अपडेट करना जरूरी होगा। अगर किसी अभ्यर्थी की फोटो 3 साल या उससे ज्यादा पुरानी होगी तो उसे भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र के साथ ही उनके मूल दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का रिवेरिफिकेशन किया जाता है। इन दस्तावेज में कई बार अभ्यर्थियों की काफी पुरानी या फिर बचपन की फोटो लगी होती है, जिसकी वजह से मूल दस्तावेज की फोटो से उनके वर्तमान चेहरे पर मिलाना काफी कठिन हो जाता है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.